भोपाल में महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब का मामला सामने आया है। आबकारी अमले ने ऐसी 120 बोतलें जब्त की है। इसमें 400 से 500 रुपए वाली सस्ती शराब भरी हुई थी। मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में आबकारी विभाग ने शराब की असली बोतलों में नकली शराब भरकर बेचने वाले एक गिरोह पर शिकंजा कसा है। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी आरोपी कबाड़ में से महंगी व ब्रांडेड शराब की बोतलें इकट्ठी कर उसमें नकली और घटिया किस्म की शराब भरकर व्यापार करते थे। आबकारी टीम ने करीब 3 लाख रुपए की शराब जब्त की है। आबकारी विभाग के आयुक्त दीपक रायचूरम ने बताया कि शराब की महंगी बोतलों में सस्ती शराब बेचने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इससे उन दुकानों को नुकसान हो रहा था जिनके पास शराब बेचने का लाइसेंस है। खबर मिलने के बाद आबकारी विभाग अलर्ट हो गया और गिरोह को पकड़ने के लिए टीम बनाई। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के साथ एक पुलिसकर्मी का बेटा भी इस गैंग में शामिल है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उनसे पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। उसने बताया कि प्रशांत नाम का मेरा एक मित्र है जो मुझे ये शराब ला करके देता है और मैं इसको इसका मैं विक्रय करता हूँ। फिर हमने एक टीम लगाई। टीम ने जब कल रात को घेराबंदी की तो हमने फिर उससे बोला कि आप हमें और शराब उपलब्ध कराइए, हमें ज्यादा क्वांटिटी में ये चाहिए। तो उसने टेलीफोनिक मोबाइल से बात करके प्रशांत से शराब बुलवाई। आईपीएमटी कार ने 3 लोगों को हमने उस शराब के साथ जब्त किया। ये सारी बोतलें आपने अभी देखी और उसमें टेक्निकल आपने जो अंतर है वो भी आपने देखा। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से कहीं ना कहीं हाई रेंज में एंटी बॉटल्स में सस्ती शराब की रिफिलिंग करके बेचने का मामला है और इसमें 3 लोगों को 12-34-2 के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।